बापू जी क्या है वो? दया ने मुझे फोन करके बोला कि दुकान से आते वक्त जरा गोगी के लिए कोई अच्छा सा खिलौना लेके आएंगे। तो मैंने वही बाघा को बोला कि जा भाई दुकान से कोई खिलौना लेके आ। तो बाघा ये खिलौना लेके आया बापू जी। अरे दया तू खड़ी क्या? बापू जी को भूख लगी, जल्दी थाली परोस। गोगी बेटा खाने के लिए ऐसे टेबल पर नहीं बैठते, यहाँ कुर्सी में बैठते हैं। आंटी मैं अपने घर पे ऐसे ही बैठता हूँ, इसलिए मैं ऐसे ही बैठूंगा। गोगी छोटी ने बहुत लाड से पाला है गोगी को। ला बेटा ये सरसोदा। गर्मा गर्म दाल मखनी भी आ गई। अरे वाह, मैं परोसती हूँ। क्या गोगी बेटा दाल मखनी? मस्त है दया आंटी। थैंक यू बेटा, लो ना बापू जी। वाह देवा मजा आ गया। तो मक्के दी रोटी और सरसों दा राग साग। जो बोले सोनियल सत श्री अकाल। गोगी बेटा बराबर खाना खाया ना? हाँ दया आंटी मजा आ गया, थैंक यू। अभी बापूजी के साथ जाके टप्पू के रूम में सो जा। नहीं दया आंटी मैं अपने मम्मी पापा के साथ सोता हूँ, इसलिए मैं आप दोनों के साथ सोऊंगा। हाँ हो बेटा। वाह शाबाश गोगीरा, शाबाश शाबाश। मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। कहाँ जा रहे अंकल? सोने रात हो गई ना बेटा। चलो अभी टेबल पर से नीचे उतरो और सो जाओ। चलो। नहीं नहीं मुझे भी इतनी जल्दी नींद नहीं आती, और सोने से पहले मुझे कल के एग्जाम की रिवीजन भी करनी है ना। अंकल चलिए मुझे रिवीजन कराइए। भाई क्या देख क्या रहा है बेटा, चलो पढ़ाई करो। हाँ अरे क्या कर रहा है बेटा? अंकल रिवीजन शुरू करने से पहले ब्यूगल बजा रहा हूँ। पढ़ाई के पहले या पढ़ाई के बाद कोई ब्यूगल बुगल पिपुड़ी बिपुड़ी कुछ बजाने का नहीं, समझा? पढ़ाई में ध्यान दो, पढ़ाई में ध्यान दो। क्या अंकल? अंकल एक बात बताओ। बोलिए। इस साइंस को साइंस क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा साइंस के माँ बाप ने उसका नाम साइंस रखा, इसलिए उसको साइंस कहते हैं। क्या अंकल आप भी कितने असाते हो। लेकिन अंकल बताइए ना साइंस को साइंस क्यों कहते हैं? बेटा साइंस को साइंस कहते हैं उसमें तुझे क्या प्रॉब्लम है बेटा? प्रॉब्लम है अंकल। क्या? साइंस में भी पुरानी बातें होती है और हिस्ट्री में भी पुराने बातें होती है, तो साइंस को हिस्ट्री क्यों नहीं कहते? अच्छा सवाल है बेटा, बहुत ही अच्छा सवाल है। थैंक यू। तो अंकल जवाब दीजिए ना। हाँ बेटा पहले जवाब बनाने तो दे। मतलब क्या है कि ये सवाल का जो जवाब है ना बहुत अटपटा है, तो तुझे समझ में आए ऐसी सीधी सरल भाषा में मैं जरा जवाब बना रहा हूँ। तो जैसे जवाब बन जाएगा ना मैं पिरस दूंगा, मतलब तुझे बता दूंगा। ठीक है बनाइए। सुन ये सब विषयों का नामकरण हो रहा था ना? विषय? ये सब विषय है साइंस और हिस्ट्री और भूगोल ने वो सब सब्जेक्ट्स। हाँ वो हमारी ऊंची भाषा में उसको विषय बोलते हैं। तो ये सब विषयों का नामकरण हो रहा था ना,
तभी क्या साइंस को हिस्ट्री का ही नाम देने वाले थे। अभी लफड़ा क्या हो गया कि हिस्ट्री का नंबर पहले आ गया, लाइन में आगे खड़ा था ना, तो हिस्ट्री को हिस्ट्री का नाम मिल गया। अभी फिर जब साइंस की बारी आई तो नाम कोई बचा ही नहीं था, एक ही नाम बचा था साइंस। अभी उसको भी हिस्ट्री का नाम तो दे नहीं सकते, क्योंकि क्या फिर एक ही नाम से दो अलग विषय गड़बड़ हो जाएगी ना सब बच्चे लोग में। तो फिर सबने से बैठक मिलाई और फिर बहुत गहन वो लोग ने सोचा क्या करे क्या करे करके, फिर वो लोग ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, हिस्ट्री को तो हिस्ट्री दिया है रहने दो, साइंस को भी ये बच्चा है तो साइंस को जरा बेचारे को समझाए भाई, मान जाना यार है, एक ही बच्चा अभी सेटलमेंट करते हैं, तू साइंस। साइंस बेचारा अच्छा था, बोला ठीक है मैं साइंस। तो तब से लेके अभी तक वो साइंस ही कहलाता है, बाकी है अंदर से वो हिस्ट्री, हाँ खाली ऊपर से उसका नाम साइंस है, समझा? वाह अंकल, आप तो कितने पढ़े लिखे हो, आपको साइंस का कितना नॉलेज है, जबरदस्त। मुझे तो लगता है अय्यर अंकल को भी इतना नहीं मालूम होगा। छी छी, अरे अय्यर अंकल का तो कुछ आता नहीं है, कुछ मालूम नहीं है, किसी को बताना मत बेटा, लेकिन अय्यर अंकल को साइंटिस्ट बनाने में मेरा बहुत बड़ा हाथ है। क्या आप बात कर रहे हो अंकल, सोसाइटी में किसको पता ही नहीं है। ए बेटा, मुझे क्या अपने मुंह से अपनी तारीफ करना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने किसी को बताया भी नहीं, इसलिए किसी को मालूम नहीं है। तो मैं अपने मुंह से आपकी तारीफ करूं? नहीं नहीं बेटा, नहीं, मेरे मुंह से या किसी और के भी मुंह से मुझे मेरी तारीफ सुनना अच्छा ही नहीं लगता है बेटा। वाह अंकल, यू आर रियली ग्रेट। थैंक यू बेटा। चलो बेटा, अभी रात बहुत हो गई, सो जाओ। चलो। नहीं नहीं अंकल, अभी तो रिवीजन स्टार्ट भी नहीं किया है। तो बेटा जल्दी शुरू करो, जल्दी खत्म करो। हाँ। अंकल। हाँ बेटा, इधर ही हूँ, बोलो बोलो। अंकल, ये ग्रेविटी क्या होती है और ये न्यूटन कौन था? बेटा तू तो कह रहा था तेरी पढ़ाई हो चुकी है। हाँ हो चुकी है। तो फिर ऐसा अतरंगी सवाल क्यों पूछ रहा है बेटा? बस ये दो क्वेश्चन के आंसर ही नहीं आ रहे, बताइए ना अंकल। अंकल आराम से, मुझे समझ में आए ऐसा आसान जवाब बना के बताइए। वो तो बराबर है बेटा, लेकिन ये दो सवाल के जवाब इतने अटपटे है, इतने अटपटे है कि मैं कितनी भी कोशिश करूं ना सरल भाषा में उसको तुझे समझाने की, तो समझ नहीं पाएगा बेटा, क्योंकि क्या है मेरी भाषा एकदम बहुत ऊपर की है। क्या मैं बड़े बड़े लोगों को सिखाता हूँ ना, ये रंकल वो सब ऐसे लोगों को। अरे हाँ, ये अच्छा है, बराबर है, मैं बड़े लोगों को सिखाता हूँ, लेकिन जो छोटे छोटे तुम जैसे बच्चों को सिखाता है वो तुझे बराबर समझा पाएगा। भीड़े अंकल को मैं बोलता हूँ आके तुझे समझाए, ठीक है? अंकल यू आर रियली वेरी ग्रेट। अरे बेटा उसमें क्या, तेरा काम हो जाना चाहिए बस, तू खुश तो मैं खुश है। एक मिनट भीड़े अंकल को फोन करके आता हूँ। हेलो। हाँ माधवी भाभी, मैं जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए जेठा भाई। जरा भीड़ा को फोन देंगे? नहीं ये घर पे नहीं है, वो उनके काका को मिलने गए हैं, कुछ अर्जेंट काम था। नहीं वैसे मतलब नहीं, ठीक है चलेगा। ओके थैंक यू माधवी भाभी, थैंक यू। चले। अरे बाप रे बेटा, भिड़े अंकल तो बाहर गए हैं, अभी कौन है जो तुझे समझा सकता है तेरी भाषा में? अंकल आप क्यों स्टूडेंट नहीं समझा पाएंगे? कौन? अय्यर अंकल। अरे हाँ, वो मेरा होशियार विद्यार्थी है, बराबर, वो तुझे ये बराबर समझा पाएगा। ठीक है मैं
लेकिन गोगी बेटा अय्यर अंकल को मैं फोन करूं और वो इधर आए तो उनके सामने जो हमने अभी बात की ना वो करना मत है, ठीक है? कि मैंने उनको सब सिखाया साइंटिस्ट कैसे बनने का वो सब, क्योंकि क्या हाँ, आपको अपनी तारीफ पसंद नहीं है ना? हाँ बेटा शाबाश, तू भी बहुत होशियार है बेटा है? मैं तो कहता तू भी आगे जाके बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनेगा। थैंक यू अंकल। अरे बेटा बेटा एक काम कर, तू ये 2 सवाल छोड़ के बाकी का जो है ना वो सब पढ़ाई करने लग, तब तक मैं जरा बाहर जाके फोन करके आता हूँ। अय्यर भाई तू डिस्टर्ब ना हो ना इसलिए बाहर जा रहा हूँ बेटा, पढ़ाई कर पढ़ाई कर। ओके अंकल। हेलो। हाँ हेलो अय्यर भाई, जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलो जेठालाल। अय्यर भाई आपको साइंस के बारे में कितनी जानकारी है? कितनी जानकारी है मतलब? जेठालाल मैं साइंटिस्ट हूँ साइंटिस्ट, पर साइंस के बारे में मेरे को जानकारी नहीं रहेगा तो फिर क्या तुमको रहेगा? बराबर है भाई, इसीलिए तो आपको फोन किया। जानकारी है ना? है ना का मतलब? नहीं नहीं क्या है, इधर वो गोगी की कल साइंस के एग्जाम है तो उसको एक दो भारी सवाल के जवाब नहीं आ रहे, तो मैंने सोचा कि अगर आप आके उसको जरा थोड़ा समझा देना साइंस के बारे में तो क्या बच्चा पास हो जाएगा, और अगर वो पास हो गया तो बच्चा आपको खुश होकर बुआ देगा, दुआ दुआ देगा। नो प्रॉब्लम जयदलाल, साइंस समझाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। बस तो आपके बाएं हाथ की इधर सख्त जरूरत है, आप अभी कभी अपना बाएं हाथ लेके इधर आ जाओ मेरे घर पे, ठीक है? ओके जेठालाल, मैं अभी तुम्हारे घर पर आता हूँ। अच्छा अय्यर भाई, हाँ एक और बात, बीच बीच में गोगी पढ़ाई के अलावा और कोई सवाल पूछे ना तो उसका जवाब मत देना कि आपको साइंस किसने सिखाया, किसके हाथ के नीचे आप साइंटिस्ट बने, वो सब। फिर उसमें क्या नाम आपका आएगा कि अय्यर भाई ने ठीक से पढ़ाया नहीं, फालतू फालतू बात करते रहे, उसमें बेचारा बच्चा फेल हो गया। समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ आपको? मैं तब समझ गया जेठालाल, डोंट वरी। जल्दी जल्दी आओ फटाफट, अभी टाइम वेस्ट मत करो फोन पे। बबीता बबीता। हाँ बोलो। बबीता कल गोगी का साइंस का एग्जाम है। अच्छा। वो जेठालाल से साइंस के सवाल पूछ रहा है, अब जेठालाल को साइंस के बारे में क्या मालूम, तो उसने हेल्प के लिए मेरे को फोन किया। ओह। तो मैं वो गोगी का प्रॉब्लम सॉल्व करके आता हूँ। ओके फाइन। ओके जेठालाल इधर है गोगी। आ गए? हाँ। अरे गोगी आ गए। देख साइंस के राजू गाइड आ चुके हैं, अभी इनसे तू जो मर्जी सवाल पूछ। हाँ बिंदास पूछना जा। आजा आजा। अय्यर भाई आइए आइए, बबीता जी नहीं आए? हाँ बबीता जी को भी साथ में लाना था ना। हाँ। जेठालाल तुमने मुझे गोगी को साइंस पढ़ाने के लिए बुलाया ना? हाँ। तो फिर इसमें बबीता यहाँ आकर क्या करेगी? अरे आप गोगी को साइंस पढ़ाते तो बबीता जी आराम से बैठ के बातें करते दया के साथ। हाँ। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। बोलो गोगी तुमको साइंस में क्या कन्फ्यूजन? अय्यर भाई आप गोगी को पढ़ाइए, तब तक मैं आपके लिए कॉफी बना देती हूँ। हाँ तो जा जा बना बना लेके आना। अरे गोगी बताओ क्या कन्फ्यूजन? अंकल ये ग्रेविटी क्या होती है और ये न्यूटन कौन था? गोगी यह तो बहुत सिंपल सवाल है, न्यूटन मेरे जैसा ही एक बड़ा साइंटिस्ट था। लेकिन अंकल आप कहाँ बड़े साइंटिस्ट हो? गोगी बेटा ये क्या बोल रहे हो? अगर अय्यर अंकल बड़े साइंटिस्ट होते तो उनका नाम भी बुक में होना चाहिए ना। वाह वाह बेटा वाह। क्या वाह क्या वाह? नहीं नहीं बच्चे की बात में दम है। क्या दम है क्या दम है? अय्यर भाई आपने बोला कि नूतन भाई आपके जितना बड़े साइंटिस्ट है तो अभी उनका नाम किताब में लेकिन आपका नहीं है, ऐसा क्यों? जेठालाल सबसे पहले यह समझ लो कि वो नूतन नहीं है न्यूटन है, न्यूटन। अरे तुमको मालूम भी है न्यूटन कौन था? अंकल आप किसको पूछ रहे हो? गोगी नहीं बेटा। सॉरी अंकल सॉरी। अय्यर भाई आपको तो मालूम है ना वो कौन थे? अरे को तो मालूम ही होगा ना जेठालाल। बस तो फिर
बच्चे को समझाओ, कल उसका एग्जाम है। ज्ञान बांटो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है भाई। हाँ। तो सुनो, न्यूटन वो साइंटिस्ट था जिसने ग्रेविटेशनल फोर्स का खोज किया था। अब समझा गोगी, अय्यर अंकल का नाम किताब में क्यों नहीं है? उन्होंने खोज की इसलिए उनका नाम है, लेकिन अय्यर अंकल ने आज तक कोई खोज नहीं की है, इसलिए उनका नाम किताब में नहीं है। जयडा लाल, मैंने क्या खोज किया है, क्या खोज नहीं किया, ये जानने के लिए मुझे बुलाया है या गोगी को पढ़ाने के लिए बुलाया है? अय्यर भाई, लीजिए लीजिए चाय। हैं? चाय? सॉरी सॉरी, कॉफी कॉफी। वो टोपू के पापा के लिए रोज चाय बनाती हूँ ना, इसलिए मेरी जुबान पर चाय चढ़ गई है। ओके ओके, थैंक यू। आप पीछे ना। ओके, नाउ गोगी, आई विल एक्सप्लेन यू गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ठीक है? हाँ, तो ये बताओ कि हम लोग कहाँ हैं? गोकुलधाम सोसाइटी में। नहीं, वो तो है, लेकिन किस प्लैनेट पर है? अर्थ। करेक्ट। हाँ, तो जयडा लाल, अर्थ का मतलब मालूम है तुमको? हाँ मालूम है। क्या? अनर्थ का विरोधाभासी शब्द अर्थ। क्या जयडा लाल, अर्थ का मतलब पृथ्वी होता है। मालूम है, मजाक कर रहा था मैं, तो समझे ना दया अर्थ। हाँ हाँ, अर्थ का अर्थ पृथ्वी। हाँ, आगे देखो गोगी, ये जो हमारी पृथ्वी है इसमें बहुत पावरफुल मैग्नेट है, जिसके कारण कोई भी चीज हम ऐसा ऊपर आकाश में फेंकेंगे ना, तो वापस नीचे खींची चली आएगी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। हाँ, पर इसी को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। अब गोगी, मैं तुमको प्रैक्टिकली समझाता हूँ, ठीक है? ये जो तुम्हारा पेंसिल है, इसको मैं ऊपर फेंकेगा तो ये वापस नीचे आएगी। देखो, इसी को पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, समझा? लेकिन अंकल, मुझे कोई चीज ऊपर फेंकनी नहीं है, तो मैं ग्रेविटी की पढ़ाई क्यों पढूं? देखो गोगी, तुम कोई चीज फेंको या मत फेंको, साइंस का रूल सबको पढ़ना कंपलसरी है, समझे? गोगी, तुमको मालूम है कि साइंटिस्ट न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का खोज कैसे किया? नहीं। नहीं? मैं बताता है। एक दिन क्या हुआ, ग्रेट साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे। क्यों? देखो गोगी, वो वहां पर क्यों बैठे थे ये जानना जरूरी नहीं है, लेकिन उनके वहां पर बैठने से हमको जो फायदा हुआ है वो जानना जरूरी है। हाँ तो सुनो, एक दिन जब साइंटिस्ट न्यूटन एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी एक एप्पल डाली पे से टूटकर उनके सर पर गिरा। तभी उनके दिमाग में एक सवाल आया, ये एप्पल डाली पे से टूटकर नीचे क्यों आया, ऊपर आकाश में क्यों नहीं गया? ये पृथ्वी पर ऐसा क्या चीज है जिसने एप्पल को खींचकर धरती पे लाया? तब जाके उन्होंने पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स का खोज किया। अच्छा हुआ नूतन भाई सफरजन के पेड़ के नीचे बैठे थे, नारियल के पेड़ के नीचे नहीं बैठे थे, वरना उनके सर पर सफरजन के बदले नारियल गिरता ना, तो उनकी याददाश्त चली जाती और हम लोगों को नीचे से ऊपर फेंकी हुई चीज वापस नीचे ही क्यों आती है, उस बात का ज्ञान ही नहीं मिलता। अंकल, यानी कि हम जो भी चीज ऊपर फेंकेंगे तू नीचे आ ही जाएगी। हाँ, करेक्ट है। एक मिनट अंकल। कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई, अब कॉफी पीजिए ना, ठंडी हो जाएगी। बराबर है। क्लास क्लास। अंकल, ये देखो। ये देखो। अंकल, अभी मैंने ऊपर फेंका तो नीचे क्यों नहीं आया? दोस्तों, हमारे शेर पुत्र गोगी ने सिर्फ जेठालाल को ही नहीं, अपने जबरदस्त बाउंसर से साइंटिस्ट अय्यर को भी क्लीन बोल कर दिया। भाई अय्यर उसे समझा रहे थे लॉ ऑफ ग्रेविटी, लेकिन लॉ ऑफ गोगी ऐसा निकाला गोगी ने कि खुद अय्यर कंफ्यूज हो गया। माने तो क्या माने भाई, बच्चों के सवाल बड़े पेचीदा होते हैं और कई बार तो इतने अटपटे कि दुनिया के बड़े से बड़े ज्ञानी भी उनका उत्तर नहीं दे सकते, इसीलिए बच्चों को सवालों का पिटारा कहा जाता है। अब देखना यह है कि गोगी
साइंस के नए नए सवाल करते हैं अय्यर से, उन्हें उलझाते हैं या अय्यर गोगी को मात दे देते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जो भी होगा होगा बड़े हंगामों के साथ। और यकीन मानिए, लॉ ऑफ ग्रेविटी का उत्तर मिले ना मिले, लेकिन लॉ ऑफ लाफ्टर हमेशा ऊपर रहेगा। सो बेतहाशा लाफ्टर के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।